I think we should start. ये शायद रिकॉर्डेड भी होगा ये सेशन। कमाल यप शाद यप शाद मान भाई आई एम गोइंग माय बेस्ट इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड। ओके गुड थैंक यू। ओके तब स्टार्ट करते जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। सर आई कैन स्टार्ट द रिकॉर्डिंग एज पर योर कंफर्टेबिलिटी सर। यस जो लोग छूट जाएंगे उनको फायदा हो जाएगा ना बाद में रिकॉर्डिंग देखने का। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। फर्स्टली अ बिग कांग्रेचुलेशन टू आईएएस अनिल प्रसाद सर ऑन योर वेल डिजर्व सक्सेस एंड अचीविंग द माइलस्टोन इन इंडियाज मोस्ट टफेस्ट एंड प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन। थैंक यू सर, यू आर वेलकम हियर एंड थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम फ्रॉम योर वेरियस शेड्यूल एंड गो अलोंग विद अस टू शेयर योर जर्नी एंड एक्सपीरियंस विच इज आउटराइटली इंटरस्पर्स्ड विद वैक्स एंड फैंस। योर जर्नी फ्रॉम अ फंक्शनली अनलेटर्ड एंड एंटी रेलिवेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार दैट इज किशनगंज हैविंग अ प्रॉपर लाइफ टू द प्रेजेंट इज अबाउंडेड विद इंस्पिरेशंस एंड अ सोर्स ऑफ इम्पल्स फॉर मेरिट एस्पिरेंट्स। द कार्डिनल मोटिव ऑफ दिस वर्चुअल टॉक is centered around the subject matter of UPSC CSE preparation and strategy encapsulating the mean of what to read and what not. Keeping the time limit in my mind, shortening the introduction, I would pass on this opportunity to let IAS Anil Prasad sir speak his word. As he will finish his last words, we will take questions from the aspirant or the participant sides, and all are requested to put their question in the Google Meet chat box. Thank you. Sir, please proceed on your introduction. जी नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा नाम अनिल बसाक हो गया, मैं किशनगंज बिहार का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग जो है किशनगंज से ही की थी, उसके बाद मैं एक साल कोटा में था, IIT JEE का प्रिपरेशन कर रहा था। फिर उसके बाद मुझे IIT दिल्ली में एडमिशन हुआ था मेरा 2014 में, तो 2014 से 18 मेरा BTech था, और जो कॉलेज का थर्ड ईयर था यानी 2016 के अगस्त में, तब से मैंने UPSC सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। और मेरा पहला अटेम्प्ट था 2018 में, जो कि मेरा ग्रेजुएटिंग ईयर था, तो उस समय मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, भले ही मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके दिया भी था एग्ज़ाम। तो मेन रीज़न तो पुअर स्ट्रेटजी ही था। मैं सारे सवालों को, मैं सोच रहा हूँ जितने सवाल आ रहे हैं उनको आखिरी में लेते जाता हूँ, बहुत सारे सवालों के जवाब अभी धीरे धीरे मिलेंगे टॉक में। तो उसके बाद 2019 में मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था, इस समय मेरा तीनों स्टेज क्लियर हुआ था, और इस बार मुझे जो है इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स मिला था, AIR 616 यानी 616 आया था। इसके बाद जो है 2020 का जो अटेम्प्ट हो गया 2020, इसमें भी तीनों स्टेज क्लियर हुआ, और इस बार जो है 45 रैंक आया। और रैंक जो है वो थोड़ा सा यूनिक भी है इस मामले में, मैंने लिख के भी दिया था कि अनिल जैसे अगर आप देखेंगे उसमें 4 अल्फ़ाबेट्स है, बसाक में 5 अल्फाबेट्स है, तो 4-5 अगर लगा ले 45 आ जाएगा, और मुझे अभी दिखा भी रहा था 45 अदर्स आपके गूगल मीट पे। ओके एनीवेज तो ये हो गया, क्यों ये नंबर्स इसलिए मुझे पसंद है, शायद इसीलिए मुझे मैथमेटिक्स मेरा ऑप्शनल भी था। और एक और मैं दिखाता हूँ, मेरा IIT JEE में 2016 रैंक था, और 2016 में ही मेरा UPSC सिविल सर्विस का प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ था। वैसे तो और भी नंबर्स का गेम है, बट लीव इट, उस पर आज हम नहीं जाते। इसके बाद जो है, अब जो सवाल यही आता है कि भाई पढ़े कहाँ, क्या करे, कहाँ से पढ़े, कहाँ से स्टार्ट करे, जैसे कुछ सवाल एक मोटिवेशन पे था, इन सब पे देखो मोस्ट ऑफ द चीज़ों की जो आंसर्स है ना वो मैंने लिख के ऑलमोस्ट दे ही दिया है। सही बताऊँ तो जर्नी ऐसा है ना कि इसमें रास्ते जो है वो मैंने दिखा दिए, लगभग जितने रास्ते हैं, चलना आपको खुद पड़ेगा रास्ते पे। तो जैसे अब कहाँ से क्या पढ़ना, वो जो डॉक्यूमेंट मैंने जो दिया है HTTPS, उसके बाद रेशियो 2x www.bit.ly/CSE के फंडे, ये शायद मैंने दे दिया, शायद आप लोगों को सबको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो उसके अंदर अगर आप जाएंगे ट्रैकिंग CSE एक और होगा, डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारे लिंक है, इसको अगर आप लैपटॉप पे खोलेंगे तो आपको सारे वो मिल जाएंगे कहाँ से क्या क्या पढ़ना है। इसके साथ साथ वीडियोज़ भी मैंने लगा रखे हैं कि भाई UPSC में इंटरव्यू में कैसा होता है, ये जो YouTube पे वीडियोज़ दिखते हैं क्या वो एक्चुअल इंटरव्यू है, नहीं है वो एक्चुअल इंटरव्यू तो किसी के पास भी होता नहीं। हाँ, इन्होंने जैसे अभी लिंक अभी आपको दिख रहा होगा HTTPS वाला CSE के फंडे, तो इस लिंक को आप लैपटॉप पे खोलिएगा तो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। इसमें बहुत कुछ है, इसमें मैंने गाने भी डाले हैं, इसमें मैंने पूछते कितने घंटे पढ़ना चाहिए, इसका भी मैंने लिख के दिया है आंसर कि यार घंटे मैटर ही नहीं करता, कितने घंटे देना है, मैटर ये करता जो हमारा दिन का जो गोल है
और यार हफ्ते का गोल है वो हम पूरा कर रहे हैं कि नहीं, और दिमाग को प्रॉपर रेस्ट देते रहना चाहिए, जैसे सोना हो गया 7 घंटे या 6 या 7 घंटे जितने भी सोते हैं आप लगभग वो कर लेना चाहिए। उसके बाद कभी कभी मॉर्निंग वॉक पे जाना हुआ या मेडिटेशन योगा या जो भी आप करते हैं गाने सुनना, ये सब बीच बीच में करते रहना चाहिए, इससे दिमाग को जो शांति भी मिलती है, वरना दिन भर हम प्रिपेयर नहीं करते रह सकते हैं। जब बहुत बार लोग कहते हैं क्या 18 घंटे पढ़ना चाहिए, मेरे मायने में तो नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो एग्जाम में जब बहुत सारे सवाल ऐसे आएंगे ही आएंगे, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो चाहे इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट हो, जिसमें आपको पता ही नहीं होगा कि जिसको आपने पहली बार देखा है वो यूपीएससी चाहती भी है कि इन सवालों में वो देखना चाहते हैं कि हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो क्योंकि जीवन में भी हमें बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस मिलेंगे जो पहली बार हुआ होगा, तो हम उसको झेलेंगे कैसे, हर चीज़ हम प्रिपेयर करके नहीं जा सकते, तो इसीलिए प्रिपरेशन जो होता है वो डिसेंट लेवल का प्रिपरेशन करते हैं, जो हमारा नॉलेज होता है वो हमें ठीक ठाक लेवल का नॉलेज हम गेन करते हैं कि बेयर एक जो होता है सफिशिएंट लेवल ऑफ नॉलेज, इसके बाद अपना जो कॉमन सेंस है जो हमने भी जीवन में अनुभव से सीखा उसको लगाना एग्जाम में, तो यही वो सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसीलिए जो है ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, बस अपने गोल्स को पूरा करते जाइए दिन का और उसके बाद आगे बढ़ते जाइए। अब एक सवाल जैसे मैंने अभी शुरू में देखा कि कह रहे हैं कि मोटिवेशन के लिए क्या करें, तो सही बताओ तो मुझे भी नहीं पता मोटिवेशन के लिए क्या करें, लेकिन मैं 2-3 चीज़ें बताता हूँ। एक तो जैसे एक गाड़ी होती है कार, कार जो है पेट्रोल और डीजल से चलेगी या CNG से चलेगी या जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो बैटरी से, अंदर का कुछ होना चाहिए, लेकिन उस पर जो धक्का लगा के जो है ना वो थोड़ी देर के लिए स्टार्ट हो सकता है, थोड़ी देर चल सकता है। तो इसी तरह से इंसान जो है वो मोटिवेशन जो है वो एक्सटर्नल नहीं, वो इंटरनल फायर होना चाहिए। अब इंटरनल फायर आएगा कहाँ से, उसका भी बहुत दो सिंपल आंसर है। फर्स्ट तो जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट किए होंगे तो आपके दिमाग में कोई जुनून होगा, कोई ऐसा एक लक्ष्य होगा जिसको पूरा करने के लिए आए होंगे प्रिपरेशन में, जो भी लक्ष्य है उसको याद रखिए कि इसलिए मैं आया था प्रिपरेशन में, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। और पॉइंट नंबर 2, एक और चीज़ बहुत सोचने वाली बात है कि हम जब प्रिपरेशन करते ना तो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या हम लोग क्या गवा रहे हैं, इसको हमें सोचना चाहिए। गवा क्या रहे हैं, 20 से 30 का जो उम्र होता है ये सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी उम्र होता है, इसी में लोग जो है क्रांतिकारी बन जाते हैं, अगर हम देखें रेवोल्यूशनरी जो बोलते हैं, तो इस समय जो है अगर आप देखेंगे लोग जो है अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं, अथॉरिटी मतलब जो भी उनके ऊपर होगा हर उनके सवाल उठाएंगे, ठीक है। तो आप देखिए तो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो क्यों इतना प्रोटेस्ट में भाग लेते हैं, वो उम्र भी ऐसी है ना कि इस उम्र में चलो आपका मीडियम इंग्लिश था, हिंदी, ये मैंने लिख के दिया है वैसे डॉक्यूमेंट में, मेरा मैंने रिटर्न जो है इंग्लिश में लिखा है और इंटरव्यू हिंदी में दिया, ये सब मैंने लिख के दिया। आप डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे ना CSE के फंडे कि इंटरव्यू इंग्लिश में चला था, तो यही होता, अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आएंगे और हिंदी में इंटरव्यू देंगे तो वो समझ जाते हैं हमारा बायोडाटा पढ़ के कि इसने इसको इंग्लिश लिखने तो आती है बोलने कम आती है, तो चलो इसके मिक्स करके पूछते हैं, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ ना इसी तरह से वो लोग भी सवाल जवाब करते हैं, उनको हमारी भाषा से मतलब नहीं है, वो हमारा व्यक्तित्व जानने आए क्या, तो व्यक्तित्व जो है वो भाषा का मोहताज नहीं होता है, यही वो कहना चाह रहे हैं। तो अब मैं आ रहा था, हाँ, दूसरा मोटिवेशन पे आ रहा था। पहला तो मैंने बता दिया कि आपने स्टार्ट ही क्यों किया था प्रिपरेशन, इसको सोचिए, जो आपका फर्स्ट गोल था कि ऐसा मैंने प्रिपरेशन में आया ही क्यों था। दूसरा, क्या आप गवा रहे हैं, इसको सोचिए, जिसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोल रहे हैं। 20 से 30 का जो उम्र होता है बहुत क्रांतिकारी उम्र होता है, ये जो है बहुत प्रोडक्टिव ईयर्स होता है, तो याद रखिए कि ये उम्र के जो समय लग रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए जो है इस समय को व्यर्थ करना अच्छा नहीं होगा, बाद में जब आप 50 या 40 के बाद आएंगे तो आपको याद आएगा कि इस समय शायद कर लेते, ढंग से प्रिपेयर कर लेते। एक तो ये हो गया। दूसरा ये भी होता है, बहुत लोग जो है अपना जॉब छोड़ के प्रिपरेशन में आते हैं या जॉब नहीं लेते हैं, जैसे मैंने नहीं लिया था कॉलेज में, जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो जॉब वॉब छोड़ के आएंगे, तो उनको भी याद रखिए कि जो आपने कुर्बानियां दी है, जो सेक्रीफाइसेस आप दे रहे हो ना, उसको याद रखिए। एक तो सेक्रीफाइसेस को याद रखिए और एक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट क्यों किया था, ये दो मोटिवेशन है। और तीसरा मोटिवेशन जो भी आप ढूंढ लो, कुछ लोगों को मोटिवेशन आता है कि अच्छे जो सिविल सर्वेंट है जो बढ़िया काम कर रहे हैं उनको देख के मोटिवेशन आता है, जैसे मैंने लिखा भी है, एलेक्स पॉल में बोला भी है, जैसे एलेक्स पॉल मेनन सर है जो कि छत्तीसगढ़ कैडर में काम कर चुके हैं, उनका जो स्टोरी है बहुत इंस्पिरेशनल है, आप डाल सकते हैं गूगल पे AlexPaulMenon, सुन के लगता है एंग्लो इंडियन है लेकिन नहीं, ये जो है, अरे यार ये सब सवाल मत पूछा करो, डू यू हैड गर्लफ्रेंड, ये सवाल यार ये मैटर नहीं करता, ये मैटर इससे करता है कि आप अपने गोल्स को दिन में पूरा कर पाते कि नहीं, आप सिंगल हो गर्लफ्रेंड है क्या है, इससे मैटर नहीं करता, मैटर ये करेगा कि आप जो है अपने कार्य के प्रति आपकी सच्ची लगन है कि नहीं। अगर हम जीवन में भी देखें, बैचलर लोग भी अच्छा करते हैं, शादीशुदा लोग भी अच्छा करते हैं, तो यार उसी से सीख जाओ, उसका मतलब यही है कि मैटर ये करेगा कि क्या आप जो है अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो कि नहीं। पूरी तरह से समर्पित का मैंने कभी भी मतलब नहीं बोला 18 घंटे, नहीं होना चाहिए कि बस खेल में ही लग गए 2 घंटे, तो आधे घंटे खेल के आ जाइए या भागे रनिंग करके आ जाइए,
जो वॉकिंग होता है, जॉगिंग होता है, गाने सुनना होता है, योगा होता है, ना जाने क्या क्या चीजें होती है। तो हर इंसान का अपना अपना एक जो माइंड को रिफ्रेश करने का तरीका होता है, ये करते रहना पड़ेगा प्रिपरेशन में, वरना आप बर्नआउट हो जाएंगे या पूरी की पूरी ऊर्जा या जो एनर्जी है वो खत्म हो जाएगा। तो अल्टीमेट ये है कि यार देखो, राइट स्ट्रेटेजी चाहिए। राइट स्ट्रेटेजी ये है कि जो सोर्सेस होते हैं उसको मिनिमाइज करना, मतलब एक ही चीज को एन बार पढ़ जाना, एक ही चीज को चार बार पांच बार पढ़ जाना, रेदर देन उसी चीज को चार जगह से पढ़ने के। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जैसे नदी है, नदी बहती है, मैंने ये एक वीडियो में भी समझाया, मैं उस लिंक में भी मैंने लगा रखा, अगर आप देखेंगे बड़ा ग्रीन ग्रीन करके मैंने लगा रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम, इन दोनों को मैंने कंपेयर करके दिया। ये आप वीडियो में देखना, क्योंकि मैंने बोर्ड पे बताया तो आपको वहां पे बेहतर समझ में आएगा। जो डॉक्यूमेंट इन्होंने शेयर किया उसके पहले पेज में जाइएगा, मैंने मिनट्स भी लगा रखा है, 33 मिनट 27 सेकंड से शायद चालू हुआ था, तो आप देखिएगा, वो यूट्यूब पे वीडियो है, एक मैंने क्लास ली थी 2-3 दिन पहले ही ली थी, तो उसके अंदर मैंने समझा रखा है, उसको आप पूरा भी देख सकते हो, उसमें बहुत सारे ज्ञान वहाँ पे भी है। तो वहाँ पे मैंने वही समझाया था कि नदी जो है, नदी में अगर पानी बहती है तो अगर आपको प्यास लग रही है तो आप नदी का पानी आप एक जगह पे पी लीजिए, वहां नहीं पी पाए तो बाद में। ये जो कोचिंग ज्वाइन किया, ये सब मैंने लिख के दिया है, मैं ये डॉक्यूमेंट में लिख के दिया है मैंने कौन से कोचिंग ज्वाइन किए, ज्वाइन करना है या पढ़िएगा, डॉक्यूमेंट में इसका भी आंसर है। ये जो है ये देख लीजिएगा, चलिए अब मैं इधर आता हूँ। नदी मान लो बह रहा है, तो नदी में अगर आपको पॉइंट नंबर वन है, वहां पे आप उन्हें पानी नहीं पी पाए तो कोई बात नहीं, आगे जब आप जाएंगे आगे पानी पी लीजिएगा। तो ऐसे वहां पे भी नहीं पी पाए, आगे पानी पी लीजिएगा। ये उदाहरण मैं इसीलिए दे रहा हूँ कि जैसे ज्ञान आता है, तो ज्ञान जो अगर आपको कहीं नहीं मिल पाया ना किसी पॉइंट पे, तो आप टेंशन मत लीजिए, आगे मिल जाएगा। मतलब कहने का ये मतलब है, जैसे हेल्थ और एजुकेशन है, उसके ऊपर कोई एडिटोरियल आया अखबार में, आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, छूट गया तो क्या होगा। अब मैं सवालों को लास्ट में लेता हूँ, लास्ट में लेता हूँ। तो ये है कि मान लो कोई हेल्थ और एजुकेशन पे एक एडिटोरियल आया आज के अखबार में, और मुझे लग रहा है कि नहीं ये एग्जाम में तो आ सकता है, तो यार टेंशन नहीं लेना, अगर नोट्स भी नहीं बनाए ना तो बाद में मैगजीन में आ जाएगा, टेस्ट सीरीज में आ जाएगा, या कोई दोस्त बता देगा, कहीं तो सीख ही जाएंगे, बस आंखें और दिमाग खुली रखनी है, ठीक है। तो ये वाली, और मैं एक और इम्पोर्टेंट टेस्ट बताता हूँ पढ़ने का। जब भी आप कोई चीज पढ़ने जा रहे हो ना, तो एक दो टेस्ट होते हैं जो मैंने देवा निकाला है, उसको हमेशा लगा के देखना। टेस्ट नंबर वन, दोनों एक साथ पास होना चाहिए। टेस्ट नंबर वन ये है, क्या वो रिलेवेंट है, कोई भी मटेरियल जो भी आप पढ़ रहे हो एग्जाम के लिए क्या रिलेवेंट है। अब ये, अब रिलेवेंट कैसे, ये कैसे बताओगे, ये कोई भी 100% श्योरिटी के साथ नहीं बता सकता। हम जो है 90% या 80% श्योरिटी के साथ बता सकते हैं। और कैसे बताएंगे, इसका आंसर कुछ नहीं है, PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और इसीलिए जो है मैंने कॉन्स्टिट्यूशन और यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम को कंपेयर किया, तो वहां पे आपको दिख जाएगा कि PYQs कितने इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे संविधान के आर्टिकल्स है जो पूरा संविधान को समझा देता क्या है, उसी तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है यूपीएससी के, वो समझा देता है कि क्या इंपॉर्टेंट है। ये सब मैंने व्हाट इज द स्ट्रेटेजी फॉर विदाउट कोचिंग, वो भी मैंने बता रखा, आप देखिएगा, बिना कोचिंग के जैसे मैंने वेबसाइट बता दिया है, आप अपना पढ़ते जाइए, सेल्फ स्टडी करते जाइए, टेस्ट देते जाइए, बस यही है। सेल्फ स्टडी, टेस्ट, PYQs, रिविजन, यही है सेल्फ स्टडी। हाँ मैं इस पे था, हाँ तो PYQs के ऊपर था कि पहला जो दो टेस्ट जो मैं समझा रहा था, किसी भी चीज को पढ़ना है कि नहीं, टेस्ट नंबर वन कि वो रिलेवेंट है कि नहीं। और रिलेवेंट कैसे पता चलेगा, पास्ट ईयर क्वेश्चंस को आप देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा कि पास्ट में ये पूछा गया था तो शायद अब भी पूछा जा सकता है। जैसे किसी पर्सन का भविष्य हम उसका पास्ट देख के बताते हैं, जब हम क्रिकेट मैच देखते तो हमें लगता है आज ये सेंचुरी मारेगा, कैसे बताते हैं कि पहले भी उसने सेंचुरीज खूब मारे हैं, यही है ना। तो उसी तरह से जो है पास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, और कब से देखना है, सिर्फ 2013 ऑनवर्ड्स, क्योंकि 2013 में सिलेबस चेंज हुआ था, ये भी मैंने उस लेक्चर में बताया। और अगर आपके पास समय कम है तो 2017 से देखिए, 17, 18, 19, 20, 21, क्योंकि 2017 से यूपीएससी अपने फॉर्म में आ गई। 2016 में थोड़ा इजी पेपर आ गया, लोग यूपीएससी को हल्के में लेने लगे, फिर यूपीएससी ने कहा कि हम भी दिखाते हैं हम कितनी भारी चीज़ है, तो 2017 से उन्होंने दिखाया अपना फॉर्म, और 2017 के 18 से तो रियल फॉर्म दिखना चालू हुआ, जब प्रीलिम्स भी टफ हो गया, मेंस भी बढ़िया आया। 2020 में थोड़ा मेंस इजी आया था क्वेश्चंस, बट फिर भी नंबर नहीं आ पाए, उसका कारण अलग है, वो स्केलिंग वगैरह चलता है। लेकिन मेरा सलाह ये रहेगा, स्केलिंग विस्केलिंग पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना, अपना काम करो, पढ़ो लिखो, मतलब अपना काम करो और फल की चिंता छोड़ दो, जो कहा भी गया है कि डू योर एफर्ट्स एंड लीव आउट ऑल द रेस्ट, दैट्स इट। हमारे ऊपर, हम जो है कभी भी रिजल्ट को डिसाइड नहीं कर सकते। जैसे अगर हम कोई क्रिकेट का गेम देखते हैं तो आप एफर्ट्स दीजिए, यू डोंट नो कौन जीतने वाला कौन हारने वाला, कभी कभी बांग्लादेश भी ऑस्ट्रेलिया को हरा के आती है, तो हमें कुछ नहीं पता, इसीलिए अपना एफर्ट्स दो, हम होंगे कि नहीं सेलेक्ट ये भी हमें नहीं पता, लेकिन हमारे हाथ में जो है हमारा काम है। जैसे मैंने लिखा भी है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि, जैसा उन्होंने कहा भी है मोहम्मद इकबाल जी ने, कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा भी बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा। और उसका घमंड कभी नहीं होना चाहिए, उसका अहंकार नहीं होना चाहिए,
अगर वो हो गया तो आप फिर नहीं बन पाओगे। जैसे बहुत लोग बोल देते कि मैं आईएएस बनूंगा, मैं ये बनूंगा, वो जनरली वही लोग नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि वहां पे अहंकार आ जाता है, उन्हें लगता है हम इतने मेहनती या इतने तेज दिमाग के हम कर ही लेंगे। तो इसीलिए जो है अहंकार नहीं होना चाहिए। आप अपना जो लक्ष्य है वो अपने दिमाग में रखिए कि हाँ मेरा बनना है। सबको पता है कि अगर आप मेहनत कर रहे हो यूपीएससी में तो सबको पता है आईएएस बनने के लिए मेहनत कर रहा है, तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो इसीलिए चुपचाप अपना काम करो, आपके जो काम है वो बोलना चाहिए। आप क्रिकेट में देखिए, अच्छे क्रिकेटर्स वही माने जाते हैं या अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन वही होते हैं जो बोलते काम है करते ज्यादा है। जैसे अभी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ लेकिन मुझे, मैं भी चुप, अभी मेरा काम ही है बोलने का। तो एनीवेज बस ये कहना चाह रहा हूँ कि अपना काम करिए और बोलिए कम, और बोलना कहाँ पे, इंटरव्यू के टाइम, ठीक है। प्रीलिम्स मेंस में तो चुप रह के काम करना, बस इंटरव्यू के टाइम अपना बोलना चालू कर दीजिए, ठीक। जैसे अभी मेरा इंटरव्यू चल रहा तो मैं भी बोल रहा हूँ। तो एनीवेज वापस आते हैं, टेस्ट नंबर वन जैसे मैंने बताया कि रेलेवेंट है कि नहीं, ये हो गया। और टेस्ट नंबर टू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये टेस्ट है। टेस्ट नंबर टू, क्या आप उस इन्फॉर्मेशन को रिकॉल कर पाएंगे, विल यू बी एबल टू रिकॉल इट। जैसे कि योजना पढ़ते हैं लोग, कुरुक्षेत्र पढ़ते हैं, ना जाने महाभारत, चलो छोड़ो, योजना और कुरुक्षेत्र ही है, तो ये पढ़ डालते हैं। मैंने कहा पढ़ो यार, लेकिन दिक्कत क्या है ना, क्या इसको एग्जाम में रिकॉल कर पाओगे? अगर नहीं कर पाओगे तो मत करो। जो स्टैंडर्ड बुक्स है, मैगजीन्स है, इसी से जो योजना का जो भी चीजें आती है ना, योजना में जनरली बुक्स और मैगजीन में होता है ये सब, तो उसी में कवर हो जाता है। तो योजना में मैंने बोला भी अपने वीडियो में कि यार जो योजना का पहला पेज है वही पढ़ लो, काम खत्म अपना, अच्छी लाइनें मिल गई, डेटा मिल गया, उसको एग्जाम में चिपका देना बैठ के, ठीक है। तो ये हो गया। तो दो टेस्ट जब भी आप कोई चीज पढ़ने जा रहे हो, पहला टेस्ट नंबर वन, क्या वो एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, क्या वो एग्जाम में आ सकता है, कैसे पता चलेगा, पास्ट ईयर क्वेश्चन देख के। 100% सियोरिटी से कोई बता सकता? कोई भी नहीं बता सकता, खुद यूपीएससी नहीं बता सकती, ठीक है। वो बस प्रोबेबिलिटी 80-90% हम बता सकते हैं, और हमारा अनुमान उतना ही सही होगा जितना ज्यादा हम पास्ट ईयर क्वेश्चन एनालाइज करेंगे। और पास्ट ईयर क्वेश्चन कहाँ से एनालाइज करना, कोई बुक वुक खरीदने की जरूरत नहीं है, फ्री में अवेलेबल है। mrunal.org का जो वेबसाइट है वहाँ पे आप प्रीलिम्स जाएंगे, mrunal.org, ये भी मैंने लगा रखा लिंक में, तो उसके अंदर जाएंगे, प्रीलिम्स का क्वेश्चन ढूंढ लीजिए या मेंस का क्वेश्चन ढूंढ लीजिए, आपको दोनों मिल जाएंगे। तो उसमें जो है उन्होंने एनालाइज कर रखा पास्ट ईयर क्वेश्चन को, तो उनके वेबसाइट से लेना, कोई बुक वुक नहीं खरीदनी है इसके लिए, बुक खरीदने की जरूरत ही नहीं है पास्ट ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करने के लिए, सब कुछ फ्री में अवेलेबल है, बस आपको लेना है। तो वो दो टेस्ट मैंने बता दिया, पहला होना चाहिए वो रिलेवेंट, दूसरा होना चाहिए क्या आप एग्जाम में उसको रिकॉल कर पाएंगे। अब रिकॉल में जैसे हम, कुछ लोग पूछते हैं क्या न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने चाहिए, तो मेरा भी वही आंसर है कि यार देखो, नोट्स तभी बनाना जब आप उसको एग्जाम में रिपीट कर पाओगे। जैसे न्यूज़पेपर आ गया 15 पेज 16 पेज, उसमें से आपने 3 पेज के नोट्स बना लिया या 2 पेज ही बना लिया, छोड़ो एक ही पेज के नोट्स बनाए एक दिन का, ऐसा करके सोचो साल में कितने पेज हो गए, 365। और अभी 2 साल ले लो या 1.5 साल ले लो, जितने भी 400-500 पेज हो गए, इसके बाद आपके खुद के स्टैटिक बुक, आपका ऑप्शनल, आपका आपका जो जीएस का मैगजीन पढ़ोगे, यार इतना कुछ कैसे रिवाइज करोगे। तो बेटर ये होता है कि या तो न्यूज़पेपर के नोट्स ही मत बनाओ, अगर बनाना है तो 2 या 4 लाइन से ज्यादा मत लिखो। और मेरा एडवाइस रहता, नोट्स जो है इनिशियली नहीं बनाने चाहिए, नोट्स बनने चाहिए जब आपने एक बार स्टैटिक पढ़ लिया, पास्ट ईयर क्वेश्चन देख लिया, उसके बाद बनाओ नोट्स। तो इसीलिए नोट्स बनाना भी जरूरी नहीं है। नोट्स तो मैं तो इनफैक्ट उन्हीं टॉपिक्स के नोट बनाता था जो मैगजीन में कवर नहीं हुआ, लेकिन पास्ट ईयर क्वेश्चन उस पर आते हैं। जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एक चैप्टर GS3 में, जनरल स्टडीज 3, उसमें पास्ट ईयर में खूब क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैगजीन वाले सिर्फ जो है स्कीम उस्कीम कवर करते हैं। तो यहाँ पे नोट्स बनाना है, ठीक है। तो इसके ऊपर, इसीलिए न्यूज़पेपर के नोट्स बनाना है कि नहीं, ये आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है कि आपके नोट्स जो आप एग्जाम में रिवाइज कर पाओगे तो बनाओ, नहीं रिवाइज कर पाओगे तो छोड़ दो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला ना, नदी है, नदी का पानी बह रहा है, मतलब ज्ञान बह रही है, आप ज्ञान कहीं से भी ले सकते हैं। तो ज्ञान जो है आप चाहो तो न्यूज़पेपर से ले लो, हो सकता दोस्त बता देगा, टेस्ट सीरीज में पता चल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी ज्ञान मिल जाता है, और हो सकता है कि आपको मैगजीन में पता चल जाएगा, कहीं पे भी आपको ज्ञान मिल जाएगा। इसलिए टेंशन लेने का नहीं है, बस अपना काम करो, ठीक है, कहीं ना कहीं ज्ञान मिल जाएगा, बस आंखें दिमाग खुली रखना है, ठीक है। एक तो ये हो गया। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, देखो पढ़ने का तरीका भी मैं बता देता हूँ, पढ़ना कैसे है कोई भी चीज़ को या रिविजन कैसे करना है। सबसे पहला काम होना चाहिए पास्ट ईयर क्वेश्चन को एक बार देख लेना, देख डालो पास्ट ईयर क्वेश्चन, जितना समझ में आए कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा यूट्यूब पे एनालिसिस देख लो, ज्ञानी लोग यूट्यूब पे भी है, मैंने कहा ना ज्ञान फ्री में अवेलेबल है, जाओ यूट्यूब पे देखना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस, विजन या किसी भी देखना, फ्री में अवेलेबल है, वीडियो देख लो, जो मन करा करो, बस ज्ञान ले लो कहीं से भी, नदी का पानी बह रहा है कहीं से भी ज्ञान ले लो, है ना, तो नदी में ज्ञान बह रहा है कहीं से भी ले लो, ठीक। तो अब क्या करो, सबसे पहले जो है पढ़ने से पहले पास्ट ईयर क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, जितना समझ में आया कोई बात नहीं, आप जितनी बार पास्ट ईयर क्वेश्चन एनालाइज करेंगे ना उतना अच्छा आपको समझ में आएगा। मैंने बोला भी है, जैसे हमारा संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन, आज 71 साल हो गए देश को आज़ादी के, और द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है जिनको जो है 71 सालों से बार बार द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से पहले
या कुछ भी बोलने से पहले, तो बस यही और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ज्यादा भी नहीं जाना है, 71 साल हमें थोड़े जाना, हमें तो 2013 से ही देखना, और समय कम है 2017 से देखो, बस खत्म। पीवाईक्यूज देखो, उसके बाद जो है एक बार पीवाईक्यूज देख लिया, और कैसे देखना मैंने बता दिया, mrunal.org के वेबसाइट पे मिलेगा, mrunal.org, वहां पे प्रिलिम्स, इसके बाद ऐसे लिख देना mrunal.org/prelims, और या उसके और एक बार कर देना mrunal.org/mains, आई थिंक यही है, वरना मैं उस डॉक्यूमेंट में भी ये डाल दूंगा सीएससी के फंडे में, आज के आज डाल दूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जबकि ये ऑलरेडी डला हुआ है क्रैकिंग सीएससी, उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट होगा, उसके अंदर आपको जरूर मिलेगा, लेकिन मैं इसको इसी में डाल दूंगा बड़े वाले डॉक्यूमेंट में, ठीक है। तो इसके अंदर आप एक दो दिन में आप चेक करना, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी वो डाल दूंगा लिंक की, कहाँ से एनालाइज करना, तो आप आराम से अपना वेब पेज है उसका प्रिंट निकाल लेना, कागज पे ले लेना, फिर देखते रहना दिन भर बैठ के। तो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए, उसके बाद जो है आप टॉपिक को पढ़िए, लक्ष्मीकांत पढ़ना है या मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है, जो पढ़ना है, इससे आपको पहले ही क्लियर हो गया कि क्या क्या चीज़ें ज़्यादा पूछी जा रही है, तो आप जो है उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक। उसके बाद क्या कीजिए, टेस्ट दे दीजिए, सेक्शनल टेस्ट जो भी कोचिंग का फ्री में अवेलेबल है, मैंने इसका भी लिंक लगा रखा, फ्री यूपीएससी मटीरियल, जैसे गूगल करेंगे FREE फ्री यूपीएससी मटीरियल्स लिखना गूगल पे, एक वेबसाइट आएगा, वहाँ पे जाओ, टेस्ट सीरीज के मजे लो, किसी भी टेस्ट सीरीज का ले लो, विजन आईएएस का ले लो, प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज फ्री में मिल जाएगा सब, तो आपको कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, अपना लैपटॉप पे लो, करो टेस्ट सीरीज, आगे बढ़ो। प्रीलिम्स की क्या है तो फ्री में, मेंस में भी मिल जाएगा, लेकिन मेंस में मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने बोलता हूं, किसी का भी कर लो, विजन का कर लो, फोरम आईएएस कर लो, जीएस स्कोर, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसमें क्या है कि मेंस में कॉपी चेक करने वाला चाहिए, तो आप जो है कॉपी में आंसर लिखेंगे, आंसर को स्कैन करेंगे फोन से और उसको अपलोड कर देंगे, फिर वो लोग क्या करते हैं अपने अपने वो आईपैड से चेक करके आपको भेज देंगे, तो कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है टेस्ट लिखने के लिए, तो घर बैठे ही अपने कमरे में टेस्ट लिख लीजिए 3 घंटे में, अपलोड कीजिए, वो लोग चेक करके 10-15 दिन में दे देते हैं। तो मेंस में जो है यहाँ पे सिर्फ मैं मानता हूँ कि कोचिंग की जरूरत है, सिर्फ मेंस में, और वो भी टेस्ट सीरीज के लिए, सिर्फ टेस्ट सीरीज के लिए, तो कहीं पे भी आप चाहो तो बिना कोचिंग के काम कर सकते हो, प्रीलिम्स यस, बिना कोचिंग के, मेंस यस, इंटरव्यू बिना कोचिंग के भी चलेगा। इंटरव्यू में तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो कोचिंग से वो फ्री में इंटरव्यूज लेते हैं, क्यों, क्योंकि उन्हें रिजल्ट छापना होता है, उन्हें पता है कि 10 में से 4 लोग तो सेलेक्ट होंगे ही होंगे, तो रिजल्ट इसीलिए तो लोग फ्री में मॉक इंटरव्यू देते हैं, जैसे दृष्टि आईएएस या जो भी है, ये लोग फ्री में इंटरव्यू इसीलिए देते हैं ना, क्योंकि इनको पता है 40% लोग सेलेक्ट होंगे इंटरव्यू देने वालों में से, तो उनका रिजल्ट तो छाप देंगे ना, बस दैट्स इट, यही है फंडा, इसीलिए आपको यूट्यूब पे खूब दिखेगा इनका हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी में, और भी है कोचिंग्स, तो इसीलिए यूट्यूब पे वीडियो दिख जाएंगे, मॉक इंटरव्यूज होते हैं, वो रियल इंटरव्यू कभी नहीं होता, ठीक। तो सबसे पहले मैंने बोला पढ़ने से पहले पीवाईक्यूज देखिए, पास्ट ईयर क्वेश्चन, उसके बाद आप पढ़ डालिए, उसके बाद मॉक टेस्ट दे दीजिए, तो सेक्शनल टेस्ट दे दीजिए, तो आपको जो है 70-80% सिलेबस ही कवर करना है टेस्ट का, 100% सिलेबस तो कभी कवर होता ही नहीं है, ना यूपीएससी का सिलेबस होगा 100% कवर, ना किसी मॉक टेस्ट का होगा, तो अपना 70-80% जैसे सिलेबस होता है, फिर टेस्ट दे डालिए, फिर टेस्ट में गलतियों को एनालाइज कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है गलतियों को एनालाइज करना, नंबर उम्बर से कोई मैटर नहीं करता, अगर आप 200 नंबर का टेस्ट दे रहे हो उसमें 50 भी नंबर आए ना, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, सबसे ज़्यादा चिंता की बात है प्रैक्टिस ना करना, और चिंता की बात है अपनी गलतियों से ना सीखना। तो मैं बार बार स्टीवन स्मिथ का इसीलिए एग्जाम्पल देता हूँ, जो बंदा लेग स्पिनर के तरह आया था क्रिकेट की दुनिया में, जिसके लोग मजाक उड़ाते थे ये क्या बनेगा छोटा शेन वॉर्न, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के थे, लेग स्पिनर थे फालतू से, लेकिन वो बने जो है बैट्समैन बने, और इतने तगड़े बैट्समैन बने कि आज छोटा डॉन ब्रैडमैन बोला जाता उनको। तो वो दिखाता है कि जब आप प्रैक्टिस करना चालू करते हैं ना, तो आप एक लेग स्पिनर से निकलते हुए एक बल्लेबाज बनेंगे, और दुनिया का सबसे बढ़िया जो टेस्ट का बैट्समैन है तो वो स्टीवन स्मिथ है। तो ये दिखाता है अगर व्यक्ति प्रैक्टिस करना चालू कर देना तो किसी भी फील्ड में अच्छा कर सकता है, इसीलिए जो है मैं इनका एग्जांपल देता हूँ, ये इंस्पिरेशन भी है, ये दिखाता है कि लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। एमएस धोनी को ही देख लीजिए, वो पहले फुटबॉल के गोलकीपर थे, क्या बने विकेट कीपर, और दुनिया के सबसे बेस्ट विकेट कीपर्स में काउंट होते हैं, और सिर्फ विकेट कीपर ही नहीं, दुनिया के सबसे बेस्ट बैट्समैन में भी काउंट किए जाते हैं। तो वो भी दिखाता है कि जब उन्होंने इतनी मेहनत की, तो दिखाता है कि जब इंसान मेहनत करने लगता है तो उसका जो है वो अपने आप का जो टैलेंट है या कैपेसिटी है उसको बढ़ा सकता है। तो इसीलिए अगर आप भी मेहनत करना, रेगुलर मेहनत कीजिए, रेदर देन एक दिन 18 घंटा पढ़ना, दूसरे दिन 0 घंटा पढ़ना, उससे बेहतर है 2-2 दिन 8-8 घंटे पढ़ लीजिए। तो रेगुलर बेसिस पे 5-6 घंटे 8 घंटे करके पढ़ते रहिए, जैसे हम लोग रोज खाना खाते हैं ना 4 टाइम 3 टाइम, उसी तरह से रोज पढ़ते रहिए। चाहे तो एक दिन आप ब्रेक ले सकते हैं, जैसे एक दिन आप उपवास करते हैं या रोजा करते हैं या जो भी, तो उसी तरह से एक दिन आप ले सकते हैं, हो सकता है आपने मंडे टू सैटरडे पढ़ाई की, संडे को छुट्टी ले लिया, जैसे हम लोग दफ्तर में भी यही करते हैं, ठीक है, तो ऐसा आप कर सकते हैं, लेकिन जो है ये रेगुलर चलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 15 दिन गैप, 15 दिन अपना पढ़े, तो ऐसा काम नहीं चलेगा, 1 हफ्ते पढ़े 3 दिन छुट्टी, ऐसे नहीं चलेगा।
तो हफ्ते में 6 दिन छोड़ दिया, सिर्फ एक बार पढ़ने वाली चीज न्यूज़पेपर होती है जिसको हम रेफर नहीं कर सकते दोबारा, बाकी चीजों को कम से कम 3 बार 4 बार तो पढ़ना ही है, तभी याद रहेगा यार। एग्जाम इतना ज्यादा कुछ याद रखने का चीज है कि आप कर ही नहीं सकते। और सवाल करते हैं the graduation percentage मैंने रखा है। इज अ क्वेश्चन फ्रॉम शिफा फरीद, द नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट इन सिविल सर्विसेज हु आर कमिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड्स आर इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर। यस यस, यूनिक स्ट्रेटजी देयर फॉर यार। मेरे हिसाब से जो सबसे बढ़िया इंजीनियर्स जो है वो फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल मतलब जो वो जो है ज्यादा रिजिड नहीं होते कि ऐसे ही करना है, यही एक तरीका है रास्ते में पहुंचने का। जैसे मान लो एक कोई भी रेलवे स्टेशन है, वहां पे पहुंचने के बहुत सारे तरीके हैं, कोई ऑटो से जाएगा, कोई कैब से जाएगा, कोई पैदल जाएगा, कोई मेट्रो से जाएगा, है ना। तो उसी तरह से इंजीनियर्स जो है वो लोग थोड़ा सा स्मार्ट हो जाते हैं इस चीज में कि उन्हें पता है कि हमें खुद का एक स्ट्रेंथ देखना है कि हम किस तरह से अच्छा कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग जो है न्यूज़पेपर खूब पढ़ते हैं, उससे अच्छा स्कोर करते हैं, कुछ लोग न्यूज़पेपर छोड़ के मैगजीन ही पढ़ के अच्छा नंबर ले आते हैं। तो उन्हें पता करना पड़ता है कि हमारी स्ट्रेंथ या हमारी मजबूती क्या है और हम किस चीजों में कमजोर है, तो उसके हिसाब से काम करना है, ठीक है। तो इंजीनियरिंग के लोग जा रहे हैं आए कि नहीं, लेकिन इंजीनियर्स जो है प्रिपरेशन भी तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं। देश में आज इंजीनियर्स जो है इतना ज्यादा भी तो हो गया है, वो जमाना गया जब इंजीनियर्स जो है वो कम थे, अब तो बहुत आयत हो गई है इंजीनियर्स की। इसलिए टेंशन नहीं लेना, हर फील्ड से आ रहे हैं। आर्ट्स वाले भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैंने देखा सेंट स्टीफंस के लोग भी सेलेक्ट हो रहे हैं और नॉर्मली भी हो रहे हैं। देखिए अभी जो है आपके फायदे में क्या है, अभी ऑनलाइन एजुकेशन आ गया, तब अभी देश के किसी भी कोने में रहते हैं ना, रास्ते आपके पास है, आप बस मेहनत कीजिए, आप सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए टेंशन ये है, तो इंजीनियर इंजीनियर बाद में, सबसे पहले अपने आप को मेहनत कीजिए तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। ये सब चीज़ें ना ही सोचेंगे तो अच्छा रहेगा, बेहतर कि इंजीनियर या IIT वाले लोग सेलेक्ट होते हैं, जामिया वाले सेलेक्ट होते हैं या JNU वाले, ये सब मत सोचिए। वहाँ पे नॉन सेलेक्ट भी होते हैं, IIT में बहुत सारे लोग फेल भी होते हैं, मेरे दोस्त भी है कुछ लोग जिनका 3-3, 4-4 अटेम्प्ट से नहीं निकला एग्जाम, तो उनको हम जानते नहीं है, क्यों, क्योंकि वो मीडिया में है नहीं। तो बस ये है कि आप कहीं से भी सेलेक्ट हो सकते हैं, बस इतना है कि आप अपने जो लक्ष्य है उस पर बढ़े रहिए। मैंने स्ट्रेटेजी बता दी, 6 से 8 घंटे रोज पढ़िए, जब एग्जाम पास हो तो 10 से 12 कर लीजिए, और ब्रेक्स लेते रहिए दिन में, पोमोडोरो टेक्निक सब मैंने बता रखा उस डॉक्यूमेंट में, तो आप पढ़िएगा उसको, आपको मजा आएगा। और मैं देता हूँ क्वेश्चंस लेता हूँ, मैं पहले ये चैट वाले ले लेता हूँ फिर वॉइस वाले लेता हूँ। सर हाँ जी बोलिए बोलिए, चैट वाले पहले ले लो। यार ये तो मैंने देखा नहीं एक्चुअली। यार देखो मैंने जो सोर्सेस फॉलो किया या हम लोग जो करते थे IIT दिल्ली में, वो मैंने लिख के दे दिया, तो अगर आप चाहो तो उसको डिस्कार्ड करके जो मैंने दिया वो भी कर सकते हो, उससे काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ऐसा देखो, ये अब यहाँ पे एक चीज और समझाता हूँ, मैं लेता हूँ सवाल को। यहाँ पे किसी कोचिंग का मटेरियल जो है ना वो इमटेरियल है, मेन मतलब वो कोई मायने नहीं रखता। आपको जो स्टैंडर्ड बुक्स जो हमने लिख के दिया ना वो पढ़िए। कोचिंग का सिर्फ क्या काम आता है, एक तो जो उनका करंट अफेयर्स का मैगजीन है, जैसे विजन का होता है, PT 365, Mains 365, ये काम आता है, उनके टेस्ट सीरीज होते हैं वो काम आता है बस। इसके अलावा जो क्लासरूम मटेरियल देते हैं कि भाई हमारा इकोनॉमी में पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये इतना काम का नहीं है। उसके जगह जो बुक्स है जो हमने रिकमेंड किया वो पढ़ लीजिए बस। हाँ जी पूछिए पूछिए, एक और सवाल पूछिए। सर और आप अगर आप फ्लो चार्ट बना के लिखते हो ये भी आता है, ये भी मैंने वीडियो में डिस्कस किया, जो मैंने क्लास लिया ना IMS में उसमें डिस्कस किया, तो उसके अंदर मैंने बताया है कि आप जो है क्या कर सकते हैं आंसर राइटिंग के लिए। कुछ टॉपर्स जिनका वो कॉपीज जो अपलोडेड है वेबसाइट्स पे, तो उन टॉपर्स का कॉपी देखे जिनकी रैंक अच्छी नहीं है, जिनके मार्कशीट अच्छे हैं। तो अगर आपको GS1 सीखना है तो उस टॉपर का देखे जिसके GS1 में अच्छे मार्क्स थे, ठीक है। हमें मतलब ही नहीं है रैंक 1 थी 2 थी 200 थी, हमें बस ये देखना है कि उसके किन किन पेपर्स में अच्छे नंबर है, तो उन पेपर्स को आप देखिए और स्टाइल ऐसे करके बहुत सारे टॉपर्स का आप कॉपी डाउनलोड कीजिए और उनको देखिए, उनमें से कोई एक स्टाइल है जो आपको पसंद आएगा। जैसे आप वर्ड में फाइल लिखते हैं ना, तो आप कोई स्टाइल चुनते हैं, रोमन में लिखना है, इटालिक में लिखना है, किस में, तो उसी तरह से है ना।
कि शुरू में जो है जब भी पहले तो आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए चीजों को, ठीक है, जैसे टेस्ट देके बनेगा अल्टीमेटली, तो उससे पहले आप चाहो तो मतलब मेरे उससे पहले चाहो तो जो डेली आंसर राइटिंग होता है ना आईएएस बाबा या इनसाइट्स की, ऑनलाइन फ्री है अवेलेबल, उसमें जाइएगा, मतलब एक हफ्ते दो हफ्ते टाइप लिख लीजिए उसको, एक दो हफ्ते बस, ठीक है, मतलब 20 से 30 सवाल लिख लीजिए बस, उसके बाद जो टेस्ट आते हैं ना कोचिंग के, जैसे विजन आईएएस, फोरम आईएएस, डीएस स्कोर, किसी एक का भी, उनके टेस्ट को लिखना चालू कीजिए टाइम बाउंड में, पहले तो टेस्ट को लिखिए, पहले तो बिना स्ट्रक्चरिंग के, ये मैंने एड्रेस भी किया उसी वीडियो में आईएएस वाले में, ये सवाल को लिया था उस दिन भी, तो उसमें आप देखेंगे तो और क्लियरिटी मिल जाएगी, तो मैंने वही बोला है कि इनिशियली जो है आप क्या कीजिए, अपनी स्ट्रक्चरिंग पे ध्यान दीजिए, टाइम को जाने दीजिए, देखिए कि आप क्वेश्चन को समझ पाते कि नहीं, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन लिख पाते कि नहीं, फिर जो है धीरे धीरे समय को कम करना है, और समय को कम कैसे करना वो अभ्यास से होगा, प्रैक्टिस करते जाइए आपका टाइम कम होगा। मैंने भी बोला मेरा पहला टेस्ट मैंने 9 से 10 घंटे में लिखा था, जहां 3 घंटे का टाइम होता, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से उसको मैंने 3 घंटे पे भी ले आया था, तो आप भी ला सकते हैं, बस इतना ही कि आंसर राइटिंग के लिए आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, बस शुरू में स्ट्रक्चरिंग पे ध्यान दीजिए, बाद में आप अपने टाइम को कम कीजिए, और प्रैक्टिस के लिए मैंने बता दिया एक तो जो आईएएस बाबा या इनसाइट्स का डेली आंसर राइटिंग शुरू में, लेकिन असली जो डेवलपमेंट होगा वो मॉक टेस्ट लिख के होगा 3 घंटे में जो होता है 20 क्वेश्चन, और इसके अलावा पास्ट ईयर क्वेश्चन है इसको भी लिख सकते हैं, बस इससे आपका धीरे धीरे डेवलप होगा, बस इसका आंसर एक ही है प्रैक्टिस, हाउ टू डेवलप राइटिंग स्किल फॉर मेंस, आंसर इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। Sir, how to Sabab Alam asked how to manage preparation along with your academics, like 6 hours of university class. इसका भी सही बताऊं तो इसका भी आंसर मैंने उसी IMS वाले वीडियो में दे दिया है, तो इसका कुछ नहीं है, जहां जहां आपको खाली टाइम मिलता है आप उसको करते जाइए, मैंने जैसे सैटरडे संडे अवेलेबल होता है उसको यूज कर लीजिए, हॉलीडेज मिलता है उसको यूज कर लीजिए, हम लोग जैसे क्लास में क्या होता था हमारी अटेंडेंस नहीं होती थी उन क्लासेस में, हम लोग पढ़ लेते थे, मतलब नहीं जाते थे क्लास, क्लास हो रही है क्लास के पीछे बैठ के पढ़ डालते थे, ठीक है, बिना शोर शराबा किए, या फिर जैसे मूविंग ट्रेन मूविंग जैसे मेट्रो में जाते हैं तो हम लोग ऑडियोज सुन लेते थे उस समय, समझ रहे, तो कहने का यही मतलब है कि जहां जहां समय मिलता ना उसको निकालते जाइए, ठीक है, तो ये हो गया तरीका करने का अलोंग विद एकेडमिक्स या अलोंग विद जॉब, दोनों का सेम आंसर हो गया। सर ग्रेजुएशन के स्टार्टिंग में सर क्या स्टेट मतलब किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए सर, हमें फर्स्ट और सेकंड ईयर में हम यार क्या अभी से तैयार हो कि फर्स्ट ईयर से ही आपको प्रिपरेशन में आ जाना है, कितना श्योर है आप? तो कर लीजिए, मैंने बता दिया आप इजी से पढ़िए, जो उन्होंने भी पहले पूछा हाउ टू स्टार्ट विद दोस टॉपिक्स इन विच यू वर इंटरेस्टेड ड्यूरिंग द स्कूल, ज्योग्राफी हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है, इकोनॉमी, किसी से भी स्टार्ट कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सर ठीक है, एनसीईआरटी से स्टार्ट, मैंने बता दिया सोर्सेज क्या फॉलो करना, वो मैंने लिख के दे दिया, आप डॉक्यूमेंट को खोलेगा सोर्सेज आपको मिल जाएगा। ओके थैंक यू सर। ठीक है, तो उसके अंदर आंसर इसीलिए मैंने लिख के दिया कुछ चीजें ताकि मुझे रिपीट ना करना पड़े, तो आप लिखित में दिया हुआ आप खोलिएगा, आप उसमें वीडियोस भी बहुत सारे लगा हुए हैं, तो ये डॉक्यूमेंट में आपको गो थ्रू करने में 3-4 दिन लग जाएगा लिख जाएगा, लेकिन आप देखिएगा मैंने ऑलमोस्ट सारे रास्ते दिखा दिए, रास्तों पे चलना है और आप मंजिल पे पहुंच जाएंगे। किसी में भी करिए जिसमें आप कंफर्टेबल थे, हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा, दोनों से टॉपर्स निकलते हैं, लेकिन सर हिंदी मीडियम का रिजल्ट तो सर बेकार आता है सर देखते हैं। हाँ बेकार तो नहीं बोल सकते यार, उसका कारण ये हो सकता है कि बहुत सारे जो अच्छे वो मतलब विद्यार्थी ना वो अक्सर इंग्लिश मीडियम में चले जाते हैं, जैसे कॉलेज में चले जाते हैं ये सब, तो उसलिए हो सकता है, लेकिन मेरा सलाह ये अगर आप हिंदी मीडियम में ना तो हिंदी मीडियम में भी दीजिए, उससे भी कर लेंगे, वो दौर भी आएगा जब हिंदी मीडियम वाले अच्छा करेंगे, जैसे होता है ना जैसे बिहार के लोग अच्छा रिजल्ट दे रहे थे, फिर क्या हुआ कि अच्छा रिजल्ट नहीं आने लगा, फिर इस बार देखिए फिर से आ गया, तो आप टेंशन मत लीजिए, हिंदी मीडियम भी आएगा, आप अगर आप हिंदी मीडियम में अच्छा है तो हिंदी मीडियम से पढ़ के दीजिए, यूपीएससी पे भी ये प्रेशर है कि हिंदी मीडियम का भी रिजल्ट अच्छा करना है, तो हो सकता है आपका नंबर आ जाए, ठीक, लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में करिए, इंग्लिश के कुछ कुछ फायदे, जो बस एक ही फायदा मुझे दिखता है कि कुछ सोर्सेस जो है ना वो मिल जाता है, जैसे यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज इंग्लिश में मिलेंगे, या अखबार जो है द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस वो इंग्लिश में, हिंदी में जो है जनसत्ता अच्छा है और नवभारत टाइम शायद बढ़िया है, तो ये जो है ये बस डिफरेंस है कि इंग्लिश में जो है थोड़ा सोर्सेस इजीली मिल जाता है, हिंदी में भी मिलेगा, जितने भी मैंने बुक्स लिखा है एनसीईआरटी लक्ष्मीकांत सब हिंदी में अवेलेबल है, तो अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी में दीजिए, टेंशन मत लीजिए। सर मैं बीटेक सेकंड ईयर में हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं बीटेक सेकंड ईयर में हूँ और स्टडी स्टार्ट मतलब कर दिया हूँ प्रिपरेशन और वहीं एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ, तो हमें अभी डायरेक्शन मिल जाएगा कर लीजिए ज्वाइन, इसीलिए इसका भी मैंने लिख के दिया कोचिंग ज्वाइन करना है कि नहीं। सर तो मेरा तो बैकग्राउंड इंग्लिश है, तो आगे ऑप्शन के लिए हिंदी रख सकता हूँ?
बिल्कुल लग सकते हैं जो हिंदी क्लब में जाते हैं, कोई रोकेंगे थोड़े, यूपीएससी पूरा फ्लेक्सिबल है, मैंने बोला ना फ्लेक्सिबल होना पड़ता है इंसान को, ऐसे रिजिड नहीं हो सकते, तो बस अपना दीजिए, हिंदी में भी आप हिंदी साहित्य उठा सकते हैं, लिटरे वो ऑप्शनल, ऑप्शनल हिंदी साहित्य अच्छा रहेगा ना। मैं देखिए अच्छा बुरा कुछ नहीं, वो आपके ऊपर है, समझ रहे बात को, आपके लिए क्या अच्छा ये देखना पड़ेगा, अच्छा बुरा हम किसी को भी कह नहीं सकते है ना, कौन सा ऑप्शनल अच्छा है कौन सा बुरा ये व्यक्ति पे निर्भर करता है, जैसे कौन सा जॉब अच्छा है बुरा है ये व्यक्ति पे निर्भर करता है, जैसे कि कोई क्रिकेटर किसी के लिए जॉब अच्छा हो सकता है, किसी के लिए पॉलिटिशियन जॉब अच्छा हो सकता है, किसी के लिए सिविल सर्वेंट अच्छा हो सकता है, इंसान के ऊपर निर्भर करता है अच्छा है कि बुरा। थैंक यू सर। ओके यार हाउस, हाँ जी हाँ जी बोले बोले जी सर, मुझे पूछना था कि मैथ्स ऑप्शनल में जो आईएमएस का मटेरियल है और जो स्टैंडर्ड बुक्स है सांत सीरीज कृष्णा सीरीज की सब, इसमें कंपैरेटिवली स्टार्टिंग में जैसे मैंने सॉल्व किए थे आईएमएस तो थोड़ा टफ लग रहा है वो, तो सॉर्ट ऑफ नहीं यूजिंग स्टैंडर्ड बुक, तो देख लो यार अगर आपको बुक से इजी लग रहा तो बुक से कर लो, दोनों स्ट्रेटेजी वर्क करता है, अगेन फ्लेक्सिबिलिटी इज द आंसर, ठीक है, तो अगेन जो है अगर आप देखिए आईएमएस में आप शुरू में वो टॉपिक्स उठाइए जो इजी है, मैं अब किसी चाहे जीएस हो चाहे ऑप्शनल हो, इजी जैसे लीनियर अलजेब्रा इजी लग सकता है आपको, वेक्टर एनालिसिस इजी लग सकता है, ठीक है, पहले इजी इजी काम कीजिए फिर जाके टफ चीजों के लिए आइए, जैसे मॉडर्न अलजेब्रा थोड़ा टफ होता है, फिजिक्स के जो चैप्टर्स है रिजिड डायनेमिक्स हो जाता है या फिर फ्लूइड मैकेनिक्स ये सब, ठीक है, तो इनको बाद के लिए रखिए, शुरू में शुरू के 5-6 महीने इजी इजी काम कीजिए, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, तो ये सब कीजिए शुरू में, लेकिन आईएमएस से मेरे हिसाब से, हाँ बोलिए बोलिए, इसलिए पूछा था क्योंकि सर ऑप्शनल में जिनके पास मैथ्स ऑप्शनल होता है वो आईएमएस को जरूर से मतलब रिकमेंड करते हैं। स्टैंडर्ड बुक्स सोल्व की जाए या फिर मटेरियल सोल्व किया जाए, क्योंकि दोनों नहीं कर पा रहे, यार तो देख लो इजी तो मटेरियल रहता है, मतलब कम टाइम में हो जाता है, क्यों बुक्स जो है बहुत सारा है और बुक्स के जो अच्छी चीज है ना उसने मटेरियल में डाल दिया ऑलरेडी, समझ रहे हैं आप बात को, और किस ऑर्डर में कवर करना, ये कनिशक कटारिया सर है ना डीमिस्टिफाई सीएसई, मैंने अपने डॉक्यूमेंट में डाला भी, हाँ, कनिशक सर वीडियो देखा था तो उसमें भी उन्होंने ऑर्डर दिया, हाँ ऑर्डर में कनिशक सर ने लिख के भी दिया है तो आप उस तरह से भी फॉलो कर सकते हैं, है ना, तो ट्राई कीजिए, अगर आपके नहीं हो पा रहा मटेरियल से पढ़ाई तो आप बुक से कर लीजिए, बहुत सारे लोग है जो बुक से पढ़े हैं, जैसे अतुल प्रकाश सर है 368 नंबर बुक से पढ़ के किया है, तो आप अपने बस वही है आंसर, आप अपने हिसाब से देखिए कि क्या होगा कि नहीं, क्या आपके लिए अच्छा है ना, तो बुक्स भी अच्छा है आईएमएस के नोट्स भी अच्छे हैं, ठीक है, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप आपके लिए क्या बेहतर है कि नहीं। सर व्हाट स्ट्रेटजी शुड बी फॉलो फॉर सीसेट पेपर? हाँ सीसेट पे यार देखो मैं किसी एडवाइस किसी को कुछ नहीं करता, रीजन क्या है कि मेरा मैथमेटिक्स ऑप्शनल था और मैं बचपन में सीसेट पे काम करते रहता था, ठीक है, तो इसीलिए मैं सीसेट पे कर नहीं पाता हूँ, लेकिन एक चीज जरूर बता सकता हूँ सीसेट में क्या स्मार्टनेस कर सकते हो, देखो 80 सवाल आते हैं सीसेट के ढाई नंबर के, और सीसेट के कारण ही कट ऑफ अभी नीचे हुआ है, रिसेंट ईयर्स में अगर आप प्रीलिम्स के कट ऑफ देखेंगे ना नीचे जा रहा है, वो इसलिए जा रहा है कॉम्पिटिशन भले ही बढ़ रहा है वो इसलिए जा रहा है सीसेट के कारण, सीसेट में बहुत सारे लोग पास नहीं हो पाते हैं, सीसेट शायद आपको पता होगा 66 मार्क्स होता है पासिंग, 66.66 है ना 200 में, तो यहाँ पे कंपटीशन का मैटर ही नहीं करता कि कंपटीशन पेपर कितना टफ आया इजी आया, यहाँ पे यूपीएससी थोड़ा सा जो है गड़बड़ काम करती है, मेरे हिसाब से सीसेट का भी कट ऑफ ऊपर नीचे होना चाहिए कंपटीशन के अकॉर्डिंग, तो आप कवर कैसे करोगे सीसेट, तो देखो यार मैं तो उतना सही एडवाइस दे नहीं सकता, लेकिन एक दो चीजें बता सकता हूँ जो आप ट्रिक्स अपना सकते हो सीसेट में, जो भी पास्ट ईयर क्वेश्चन आया ना 2017-18-19-20 उसको उठा लो और ट्राई करो 2 घंटे में सॉल्व करने का और देखो आपके नंबर कितने आ रहे हैं, अगर 100 नंबर से ज्यादा आ रहा है, हर क्वेश्चन में 2.5 नंबर होता है क्योंकि 80 क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे, 100 से ज्यादा रहा तो ठीक है, 100 से कम आ रहे हैं ना तो समझ जाओ आपको 80 कह लो, 80 से कम आ रहे तो समझ जाओ आपको सीसेट पे काम करना है, सीसेट में वैसे जैसे मैं क्या करता था सीसेट का पेपर कैसे करता था, सबसे पहले मैं मैथ्स वाले क्वेश्चन करता था जिसमें सॉल्व होता ना प्रॉफिट लॉस डिस्टेंस नॉर्थ गया साउथ गया जिसमें सॉल्व करना होता उसको पहले कर लिया, ठीक है, शुरू के 1 घंटे मैथ्स वाले जितने निपटा दिया, उसके बाद में क्या करता था जो वो क्वेश्चन उठाता था जिसमें एक एक स्टेटमेंट में 2-3 सवाल एक बार में सॉल्व हो जाए, समझ रहे आप बात को, कि स्टेटमेंट जैसे कोई ग्राफ कोई मान लिया डेटा दे दिया और 3 क्वेश्चन उसी पे हो ग्राफ पे तो उस क्वेश्चन को पहले कर लो, फिर उसके बाद आखिरी के जो 20 मिनट होते ना उसमें इंग्लिश के क्वेश्चन होता ना पैसेज वाले उनको करता था और मैं उन पैसेजेस को पहले करता था जिसमें एक पैसेज में 2 सवाल है, कुछ पैसेज ऐसे होंगे जिसमें पैसेज एक है और सवाल भी एक है तो उनको बाद में करूंगा यार, यहाँ पे टाइम वेस्ट करके ज्यादा मतलब नहीं है, उससे बेहतर उन पैसेजेस को करो जिनमें एक पैसेज पढ़ना और सवाल 2 है, और पहले मैं सवाल को पढ़ता था फिर पैसेज को पढ़ता था,
समझ रहे हैं बात को, ये कुछ टेक्निक्स है जो मैं लगाता था, लेकिन इसके आगे कैसे करना सीसेट, तो अब यूट्यूब और दूसरा मैं बचपन में ही सीसेट करता था, इसलिए शायद मैं और बेहतर तरीके से बता नहीं पाऊंगा सीसेट। बाकी जो मेन जो मैंने वो बता दिया आपको, तरीका क्या है सीसेट को कवर करने का, शायद इससे आपका काम हो जाएगा। सर ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर के लिए मीडियम क्या बेस कर रहे हैं, इंग्लिश या हिंदी? यार ये मेरे ख्याल से तो हिंदी में ही लिखा जाता है, इंग्लिश में पता नहीं यार, इंग्लिश में लिखा जा सकता है क्या हिंदी लिटरेचर को, ये मुझे पता नहीं, ये आप पता कीजिएगा, यूपीएससी में फोन कर सकते हैं या क्या नेट पे भी देख सकते हैं, मतलब या फिर सिलेबस जो है ना उसमें लिखा होगा कहीं पे, यूपीएससी ने सिलेबस दिया ना अपना। हाँ सर, वहां पे उसके सिलेबस कह रहा हूँ, जो नोटिफिकेशन जो आता है प्रीलिम्स का जी, तो उसमें आपको मिल जाएगा आंसर। ओके सर, ठीक है, और सवाल है, हाउ टू डील विद न्यू क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन ऑफ व्हिच नो वन इज एक्सपेक्टेड। गुड, देखो यार ये मैंने पहले भी बोला, तो न्यू क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, उसका आंसर कुछ नहीं है, जो उस समय दिमाग में आ रहा है ना, पहले तो क्वेश्चन को दो बार पढ़ लीजिए, तो आपको कोई ना कोई कीवर्ड अगर जो आपको समझ में आ जाएगा, इंक्लूसिव ग्रोथ कुछ, तो उसमें पहले डेफिनेशन ही लिख दो आंसर राइटिंग का, फिर आपको जो भी दिमाग में आ रहा है ना वो लिख डालो। कोशिश करो कि इस तरह के सवालों में सिलेबस या पास्ट ईयर क्वेश्चन उनके उनके बेसिस पे अपने आंसर लिखो, कि सिलेबस के टर्म्स को यूज करो, कॉन्स्टिट्यूशन को बीच में ले आओ, डीपीएसपीज जो होते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये सब बीच में ले आओ, और इसमें जो आपको दिमाग में आ रहा है लिख डालो, क्योंकि ये सवाल इतने टफ है ना, हर किसी के लिए टफ है, तो इसमें दो पन्ने या तीन पन्ने भर डालो, कोई ना कोई लाइन होंगी आपकी जो आपका बुलसाई पे हिट करेगा। तो इनका आंसर कुछ नहीं है, इनका आंसर है प्रैक्टिस, नए सवाल जो भी आते हैं ना आपके मॉक टेस्ट में उनको प्रैक्टिस कीजिए, या पास्ट ईयर में आए उनको प्रैक्टिस कीजिए। तो अब उसमें क्या करना है, जो मन जो दिमाग में आ रहा है उस समय लिख दो, वो लोग यही चाहते हैं, जो टाइम इतना कम देते हैं ना 3 घंटे में जो 20 क्वेश्चन लिखवाते हैं, वो इसीलिए करते हैं, वो चाहते हैं जो हमारे दिमाग में वही हम लिख दें, वो यही देखना चाहते हैं कि लोग जो है नए सिचुएशन में कैसे करते हैं। शुड वी गो फॉर गैसिंग ऑप्शन इन प्रीलिम्स, तो यार इसका आंसर वही है, गैस कैसे करना है इसके लिए स्मार्ट होता है, मतलब मैंने साइंस ऑफ डिडक्शन वाला काम कर रखा है, उस पर यूट्यूब चैनल जो भी मेरा है इसका लिंक भी लगा रखा है, इसके अलावा मृणाल सर ने जो प्रीलिम्स को एनालाइज किया उसमें आपको इस सवाल का आंसर मिल जाएगा, कि गैसिंग कब करना कब नहीं, गेस तब करना जब आपने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, अब अगर आपने एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं किया है, या आपने सिर्फ एक को ही एलिमिनेट किया, 3 ऑप्शन आपके पास बचा, तब आप मत कीजिए, जब तक 50-50 ना हो जाए ना तब तक गेस मत कीजिए, क्योंकि जनरली ये नुकसान होता है। गेस कर सकते हैं जब आपने आपने पूरा पेपर दे दिया और देखा कि भाई अटेम्प्ट ही बहुत कम हुए, मेरा शायद एग्जाम नहीं निकलेगा, तब कर लेना गेस, लेकिन गेसिंग जो है वो चलता नहीं है, उससे बेहतर होता है डिडक्शंस लगाना, एलिमिनेशन लगाना, कि भाई कौन सा ऑप्शन गलत है। तो ये कैसे करोगे, मैंने अपने YouTube वीडियो पे बताया, और मृणाल सर ने अपने प्रीलिम्स वाला जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें दिखा रखा है। सर इज एनसीईआरटी मैंडेटरी फॉर अंडरस्टैंडिंग? नोप्स, नहीं, कोई मैंडेटरी नहीं है, कुछ भी चीज मैंडेटरी नहीं है यहाँ, कुछ भी मैंडेटरी नहीं है, आप एनसीईआरटी की जगह YouTube वीडियो से ले लीजिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, और क्या हो सकता है, कोचिंग के वीडियो फ्री में मिल जाए अवेलेबल, वो ले लो, जैसे विजन आईएएस के वीडियो बहुत सारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाते हैं फ्री में, या कोई भी और कोचिंग है तो उनके, अगर आपको क्लैरिटी मिल रहा किसी के कोचिंग के किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छा पढ़ाते हैं सर या मैम, उससे देख लीजिए, तो इसीलिए एनसीईआरटी मैंडेटरी नहीं है, कुछ भी मैंडेटरी नहीं है। आई थिंक मैथमेटिक्स ऑप्शनल के लिए इंग्लिश मीडियम बेस्ट है या हिंदी, ये आपके ऊपर है, मैंने इंग्लिश में लिखा था तो हिंदी पे मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता, ऐसा हो सकता है कि ऑप्शनल पेपर इंग्लिश में दे और जीएस हिंदी मीडियम में, जहां तक मुझे पता है हाँ ये हो सकता है, जो इंताफ रजा जी जो पूछ रहे हैं ना, हाँ ऐसा हो सकता है, ऑप्शनल शायद आप इंग्लिश में दे सकते हैं, ये पूछते भी हमसे चॉइस कि ऑप्शनल को आपको किस में लिखना है और जीएस को किस में लिखना है, मैं फिर भी ये कन्फर्म करके इनको बता दूंगा शदमान जी को, मेरा जो डिटेल एप्लीकेशन। हाँ जी और कोई सवाल है सर? मैथ्स के नोट्स कैसे बनाते थे आप? नोट्स का यार देखो मैंने कनिष्क कटाया, मैंने हाँ मैंने इसका बता रखा है, तुम अगर वो सीएससी के फंडे जो डॉक्यूमेंट शेयर किया ना, इसके अंदर मैंने बता रखा है कि मैं कुछ दिन में नोट्स अपलोड करूंगा, कनिष्क कटारिया सर के नोट है उसको मैंने मॉडिफाई किया था, मॉडिफाई कैसे किया था वो मैं अपलोड कर दूंगा, कुछ दिन में आपको दिख जाएगा उसी डॉक्यूमेंट में। ओके सर, थैंक्स अ लॉट। सो वी आई थिंक वी आर डन विद द क्वेश्चंस फ्रॉम वेयर योर डॉक्यूमेंट्स फाइंड, तो वही है सीएससी के फंडे वाला जो डॉक्यूमेंट उन्होंने किया है ना वो शेयर कर देंगे शर्मान जी से, आप ले लीजिएगा। हाँ ये आदिशा जी ने जैसा डाल दिया, आई थिंक मोस्ट ऑफ द सवाल हो गए। एक काम करता हूँ मैं, एक चीज और बोलता हूँ, देखिए अभी जितने भी हुए ना आप एक काम कीजिए, थोड़ा टाइम जो मैंने डॉक्यूमेंट शेयर किया उसको आप देखिए,
मैं ऐसा करूंगा थोड़े टाइम बाद, मे बी 2-3 महीने 4 महीने बाद फिर से एक और सेशन ले लेंगे। तब क्या होगा, तब आप और अच्छे सवाल लाएंगे, पिन पॉइंटेड सवाल लाएंगे। अभी बहुत सारे सवाल जो आप ला रहे हैं इसके आंसर मैंने अपने वीडियोस उससे 4 महीने, उस पर 2022 में लेते सेशन फरवरी के आसपास, तब जो है आपका प्रीलिम्स से 4 महीने पहले मैं ले लूंगा तो आपका फिर काम हो जाएगा आसान। आई विल गेट इन टच विद यू We would like to express our humblest congratulations to IAS Anil Basak for his inspiring success. We are delighted that you share your happiness and your experience on this virtual talk and put across the state that you have become a reason for your outstanding bank that is 45 in such exams which demands painstaking efforts. I sincerely thank you on behalf of our young enthusiastic and also on behalf of Sharman Chaudhary, the very organizer of this virtual talk. Your precious talk would be a source of inspiration. फिर मैं अलविदा कर लेता हूँ। थैंक यू सर। वेलकम जी, वेलकम।